अस्पताल का ये है कि तिवारी जी को कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो गई है, जो तिवारी जी भाभी जी के सामने अपने आप को बहुत स्वस्थ मानते थे, बहुत हेल्दी मानते थे कि भभूति जी तो एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ नहीं करते, हमें देखिए भाभी जी हमारा शरीर कितना जो है मजबूत है और हमें ना शुगर है ना बीपी है, कोई बीमारी हमको छू भी नहीं सकती। और ऐसे में उनको एक छोटी सी बीमारी लग जाती है कॉन्स्टिपेशन की, और कैसे पूरे कानपुर में उनकी थू थू हो रही है, मतलब हर आदमी जो है उनको बुरी नज़र से देख रहा है। तो पूरी कहानी जो कॉन्स्टिपेशन के इर्द गिर्द घूम रही है, बट इन अ वेरी सटल मैनर, बहुत ही साहित्यिक तरीके से। तो कितनी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपको ये प्रॉब्लम आ रही है इसलिए क्योंकि भभूति उसको छेड़ रहा है बार बार, कोई डाइनिंग टेबल पे, कभी डाइनिंग टेबल पे छेड़ रहा है, खाते वक्त छेड़ रहा है, कभी वो टहलने जाता है तब छेड़ रहा है, और मोहल्ले में पूरी खबर फैला दी है जिससे बाकी लोग भी जो उसके पीछे पड़ गए। सर तो भाभी जी को पता है कि नहीं, भाभी जी को पता है कि नहीं कॉन्स्टिपेशन है, तो उससे उसी उसी वजह से और उसकी मतलब बेइज्जती हो रही है। आगे भी यही कहानी चलेगी, कॉन्स्टिपेशन का क्या हाल होता है ये आप देखिएगा। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में अनेकों शुभकामनाएं आपको, बहुत खुशी है, बोलिए जय हिंद।